अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीदें करे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो से आप सदन भाई जुड़े रहने और जो चैनल पर न्यू आए चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो अभी जो है ना शाम का टाइम हो रहा है तो खाना बनाना शुरू कर रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं चिकन और आलू। बस अभी सब कुछ बिखरा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही। बड़ी ये देखिए अभी आटा भी गूंदा है और ये धनिया वगैरह और प्याज लहसुन सब कुछ इसमें मैंने बनाया है। आलू भी साफ कर लिए, टमाटर इधर रखे हुए हैं और गोश्त काट के इधर रखा हुआ है। तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए बस जल्दी जल्दी शाम का काम ख़त्म करना पड़ता है। तो जी अभी आग जला ली है और इसमें मोटी लकड़ी डालूंगी क्योंकि रोटियाँ भी बनानी होती हैं। फिर इसलिए ये लकड़ी जो है ना अब ख़त्म होने वाली है। काफ़ी देर के बाद और ऊपर मैंने डाल दिया घी गर्म होने के बाद, अब फ्राई करूँगी चिकन को। और ये हालात हो चुके हैं हमारे, आप लोग देख सकते हैं क्या कहें कि आज कितनी मुश्किल और कितनी परेशानी में खाना बन रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा पता है, वैसे साबरा को ना साबरा को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा। आज देखो ना इस लकड़ी के आगे ये चीजें पड़ी हुई है, मुझे बताओ कहीं से कोई रास्ता नजर आ रहा है आपको? अब ये सारा सामान कहाँ रखे? जहाँ सर पे, इधर इधर मेरे सर पे लग भी रहा। मजाक कर रहा था अपने बहन भाइयों से, तो अब क्या करें जनाब, बताएं आप। जनाब जनाब थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो भी सालों में भी प्यार हो रहा है। फिर बार बार एक ही सवाल पूछ रही है मुझसे कि बताएं कितना टाइम लगेगा। जनाब जनाब मैडम जी थोड़ा सा टाइम और सब्र कर लेती चार दिन। तो जी सामने वाली एक खिड़की मैंने बचवाई है आज, मैं बता देता हूँ। ये खिड़की भी गई, ये खिड़की भी गई, ये खिड़की भी गई, दो ये खिड़कियाँ। ये किचन की थी, ये देखें ये वाली खिड़की यहाँ से उतारी है। जिस तरह सुबह मैंने अपने व्लॉग में दिखाया था, साबरा के व्लॉग नहीं था, ये खिड़की भी जाएगी। ये खिड़की क्यों जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो साबरा आप आ जाए ना, फिर अपने बहन भाइयों को आप खुद बताएं ना, आपकी वीडियो है। तो जी यहाँ से तीन खिड़कियाँ थी जो कि हमने सारी निकाल दी हैं, एक खिड़की इनमें से निकाल के आप अंदर चलें जनाब। यहाँ पे जो दरवाजा था ना इधर लगाई है, उसकी वजह से जैसे ही बारिश आती थी ना ये हमारा किचन फुल हो जाता था। अब आप बहन भाई हमें बताएं कि हम क्यों नहीं काम, ओल्ड घर में काम शुरू करवाना तो आसान है लेकिन उसको बनवाना मुश्किल है। आप खुद देख सकते हैं हमारे किचन की हालत। इसकी हालत अब सेट होनी है, अब तीन चार दिन तो जाहिर सी बातें लग ही जाएंगे ज्यादा, लेकिन चलो जितने भी लग जाएंगे चलो सेट तो हो जाएगा ना। हाँ। इस हालात में अब बताए सदे कैसे गुजारते फिर? फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अंदर वाला किचन था, चूल्हा भी ये देखें, और ये वाला जो खिड़की यही निकालनी है और इधर लगानी है। ये ऊपर वाला जो शतीर है इतना ये आग जला जला के ब्लैक हो गया। अब ये वाली जो खिड़की है इसका फायदा ये होगा यहाँ से हवा भी क्रॉस करेगी और इस साइड पे जाएगी। ये देखें ये बाहर वाला हो जाएगा। अब अंदर वाला किचन और बाहर वाला जो किचन है वो जो है ना बराबर हो जाएंगे और इस पे जो है ना इंशाल्लाह सीमटी जो फर्श होती है वो करेंगे, बाकी प्लस्तर वगैरह करेंगे, ये खत्म कर देंगे। बहुत काम है अभी। तो साबरा कहती है बस एक ही दिन में ख़त्म हो जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा एक और आपके लिए बहुत बड़ी जो है ना बहुत ही खूबसूरत मैं आपसे जो है ना बात शेयर करना चाहता हूँ आपके फ़ायदे की। ये भी साबरा को पता नहीं क्योंकि मेरा जो काम है बाद में बताना, मेरा चिकन फ्राई हो चुका है, मसाले डाल दें। पहले आप डाल लें, पहले आप डाल लें। इसमें लहसुन है, अदरक है, प्याज है, कुछ धनिया सब कुछ है, इसमें डाल देते हैं।
ये है हमारा तीन बंदों का सालन, सिर्फ तीन बंदों का। अभी आलू भी डालने हैं, टमाटर हरी मिर्च भी डाल देंगे। जी तो आपके लिए जो मैं बात कर रहा था, ये देखें यहाँ पे आज मैं हमारा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है, पूरा घर बिखर चुका है। तो इसी बात की टेंशन साबरा को तकलीफ दे रही है इस वक्त। तो ये जो मैंने दरिया निकलवाई है, इनके दरमियान में ना ये प्लस्तर हो जाएगी पहले तो मुकम्मल तौर पे, और दरमियान में यहाँ पे सीमटी जो सल्फ होते हैं, हम उनको सल्फ बोलते हैं, तो इधर भी बर्तन ये सब बर्तन साबरा रखेगी आराम से। आप उस दिन कह रही थी ना सीमेंट की, वो इधर वो बना के दो अलमारी, आपने बोला नहीं था? हाँ, आप इधर इन दो दरियों के दरमियान में बना रहा हूँ। तो फिर बड़ी बनेगी ना, अल्लाह की बंदी आपके जो बर्तन है खराब नहीं होंगे, बड़ी नहीं होगी ये, अंदर ही सीमेंट की जो झरिया ना उसके अंदर बर्तन आपके छोटे मोटे बड़े इधर पड़े रहेंगे, एक एक इधर भी बनाएंगे। अल्लाह की बंदी इतने की, ये बड़े बर्तन रखने के लिए ना, बड़े बर्तनों के लिए ये है, ये घड़ावे जोती है, ये टोकरा, इतना बड़ा टोकरा मुझे बताओ सलफ पे कभी कोई रखता है? ये एक एक बर्तन रखने के लिए ऐसे, मैं बताता हूँ, ये एक बर्तन ऐसे रख दोगी जरूरत के तहत, क्या कह सकते हैं जनाब। ये देखें अब जाएगा धुआं, ये देखें अब लगेगा पत्ता, पानी ना डालती ना इस वक्त, इधर से ले जाओ इसको, ले जाओ यहाँ से ले जाओ। मसाले डालेंगे, नमक डाल रहे, ये हल्दी हो गई, लाल मिर्च, बाहर आ चुके हैं और सालन मैंने बना लिया है, और इतनी गर्मी थी ना वहाँ पे बैठा नहीं जा रहा था क्योंकि सारा सामान इर्द गिर्द पड़ा हुआ था, तो मैंने सालन बना लिया। क्या बात है, स्पीड फास्ट क्यों हो गई है? गर्मी लगी हुई है मुझे खुद को। अच्छा। असल में इस टाइम आज देखिए इस साइड से लग तो रहा है कि बादल आ रहे हैं, क्योंकि अभी सब कुछ हवा नहीं है, बिल्कुल हवा रुक चुकी है, और जो है ना ये देखिए कपास बस बहुत ही अच्छी हो रही है। हाँ माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, इस जमीन में कपास भी बहुत अच्छी होती है और गन्ना भी बहुत अच्छी माशाल्लाह हो रही है। बस नसीब की बात है, जिसके नसीब में जो रिज़्क लिखा होता है वही मिलता है। बिल्कुल, तो हमारा नसीब में भी जो रिज़्क लिखा हुआ है वही हमें मिलना है। बाकी है कि हम कोशिश कर लेते हैं कि ब्लॉग अच्छे अच्छे बनाएं ताकि आप सदन भाई को अच्छी लगे। जी, तो आप सदन भाई को भी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारा साथ दे रहे हैं, जो हमारे खिलाफ हैं उनका भी अल्लाह भला करे, हम क्या कह सकते हैं, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। तो इंशाल्लाह कोशिश यही करूंगी कि अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँ और आप सदन भाई से शेयर करूँ। जी, तो बस वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, बाकी ज्यादा वीडियो आप कहीं और जाके बना नहीं सकते, गर्मी बहुत ज्यादा है। अपना ख्याल रखिए, अपने का ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जल्दी जल्द हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।